हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ प्राची वेलकम टू आवर चैनल आज हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ चैप्टर सेकेंड की मिसलिनियस एग्ज़ाम्पल जिसके अंदर एक ही एग्जाम्पल है तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक्सरसाइज टू पॉइंट टू में करवाए थे अगर आपसे मिस हो गई हैं तो उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप जाके प्लेज को थ्रू कर सकते हैं तो आज हम बात करेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व करते हैं सबसे पहली बात तो अभी तक हमें ये पता है कि साइन इनवर्स है साइन ख़त्म हो जाता है आंसर आपके पास आ जाता है थ्री पाई बाई बाय फाइव बट दिस इज़ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ये तभी कैंसिल हो पाता है अगर ये जो है ये साइन की रेंज में पड़ता है साइन इनवर्स की रेंज में पड़ता है अभी रेंज क्या होती है ये मैंने बिल्कुल इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोगों को बताया था कि रेंज का मतलब क्या होता है कि जैसे कि इन्वर्टेबल फंक्शंस होते हैं वैसे नहीं है इन्वर्टेबल बट कुछ पर्टिकुलर एरियाज पर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वर्टेबल होते हैं ठीक है और जिन वैल्यूज़ पर होते हैं उन्हें हम उसकी रेंज बोलते हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने रेंज लिखी हुई है जैसे कि आप देख सकते हो कि ये है आपकी साइन की रेंज क्या है

वो माइनस नाइन्टी से नाइन्टी के बीच में नहीं आती है तो हम इसीलिए इसको डायरेक्ट कैंसिल करके इसको हम वन जीरो एट आंसर नहीं लिख सकते वो गलत होगा ठीक है तो हम क्या करेंगे हम इसको कोशिश करेंगे कि हम इसकी रेंज में ला सके ठीक है कैसे रेंज में लाते हैं तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हमें पता है वी नो अगर यहाँ पर साइन इनवर्स साइन एक्स होता है तो ये एक्स आता है इफ़ एक्स वो बिलोंग करता है उसकी रेंज से माइनस पाई बाई टू से पाई बाय टू के बीच में ठीक है बट हेयर थ्री पाई बाय फाइव डज नॉट बिलोंग टू इट्स रेंज ठीक है तो हम क्या करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प लेंगे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प लेंगे देखो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस तरीके से क्वाड्रेंट्स होते हैं है ना यहाँ होता है जीरो टू पाई यहाँ होता है पाई बाय टू यहाँ होता है पाई और यहाँ होता है थ्री पाई बाय टू ठीक है और हमें पता है दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इसमें कैसे हम गाना क्या याद किया था ऑल स्टूडेंट्स गो टू क्लास ऑल मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव साइन एंड इट्स इनवर्स पॉजिटिव रेस्ट ऑल आर नेगेटिव टैन एंड इट्स इनवर्स इज पॉजिटिव रेस्ट ऑल आर नेगेटिव कॉज एंड इट्स इनवर्स इज इनवर्स मतलब कि उसका जो रेसिप्रोकल है ठीक है तो यहाँ पर साइन एंड कॉज पॉजिटिव हो गए बाकी सारे नेगेटिव यहाँ टैन और कॉट हो गए और यहाँ पे कॉस और सिकेंड पॉजिटिव रेस्ट ऑल आर नेगेटिव ठीक है ऑल्सो हमें पता है कि जब कभी भी हम फॉर्मूले में पाई बाय टू एंड थ्री पाई बाय टू यूज़ करते हैं तो फंक्शन हमारा चेंज होता है बट अगर हम कभी फॉर्मूले में पाई या टू बाय चेंज करते हैं तो नो फंक्शन चेंज नहीं होता है है ना जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिखते हैं साइन पाई पाई माइनस थीटा ठीक है तो एक तो पाई है फंक्शन चेंज नहीं होगा तो साइन थीटा और पाई uh, ये होता है माइनस थीटा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो पॉजिटिव लगाते हैं सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं साइन पाई प्लस थीटा कर देती हूँ तो पाई है तो साइन तो फंक्शन चेंज नहीं होगा बट पाई प्लस थीटा है थर्ड में आ गए थर्ड में सारे नेगेटिव होते हैं टैन कॉर्ट को छोड़ के तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा ठीक है इस तरीके से ऐसे अगर हम नाइन्टी के लिए लगाते हैं तो नाइन्टी में फंक्शन चेंज हो जाता है जैसे कि साइन नाइन्टी प्लस चेंज हो जाता है के अंदर ठीक नाइन्टी प्लस थीटा अब देखो नाइन्टी प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव ही लगाएंगे क्यों कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि मैम यहाँ तो कॉस है बट हम यहां का नहीं देखते हम यहां का देखते हैं कि एक तो साइन है नाइन्टी है तो कॉस आ जाएगा ठीक है साइन है सेकेंड क्वारनेंट में पॉजिटिव तो पॉजिटिव लगेगा सिमिलरली साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है एंड कॉस थीटा क्योंकि 90 है इस तरीके से हम करते हैं अब हम ये तो हमने रिवाइज कर लिया अब हम क्या करेंगे अब हम इसको सॉल्व करके चेक करेंगे जैसे कि अब यहाँ पर थीटा है ठीक है एक तो हमें क्या चाहिए पॉजिटिव में चाहिए ठीक है ताकि साइन इनवर्स या साइन कैंसिल हो जाए पॉजिटिव चाहिए ऊपर से हमें चाहिए भी साइन तो देखो यहाँ साइन थीटा लिखा है साइन थीटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं नाइन वन एटी माइनस थीटा है ना तो हम लिख सकते हैं सिंस साइन थीटा कैन बी रिटन एज साइन वन एट्टी माइनस थीटा है ना तो इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं दैट इज़ बाहर तो साइन इनवर्स है ही अब साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे साइन वन एटी माइनस थिटा ठीक है ओके okay. कोई चेंज नहीं है राइट right? अब देखो इसको सॉल्व करो क्या वैल्यू आती है ये हो गया साइन दिस इज फाइव फाइव पाई माइनस थ्री पाई तो साइन इनवर्स दिस इज साइन टू पाई बाय फाइव ना व्हाट इज टू पाई बाय फाइव टू पाई बाय फाइव फाइव थ्री साइव सिक्स इन द रेंज ऑफ माइनस नाइंटी नाइंटी के बीच में आता है तो हम यहाँ लिख सकते हैं खत्म हो गया और क्या बच गया आपका टू पाई बाय फाइव इज द आंसर ठीक है दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन सिर्फ इनकम्प्लीट नॉलेज होना सफिशेंट नहीं है तो इसको तभी आ सकता है अगर एक्स इसमें बिलोंग करता है तो उसके लिए हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है ठीक है तो ये था आपका एग्जाम्पल सिक्स ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज थैंक यू दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट